तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है केपीआर मिल लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या बेहतरीन पैटर्न इसमें बनता नजर आ रहा है और यहाँ पर लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए ये शेयर लगातार ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। आप इसके प्रीवियस चार्ट को भी देखेंगे तो आप जितना भी पीछे जाएंगे आपको इसमें लगातार बंपर तेजी बनती नजर आएगी और इन दिनों इस स्टॉक में तो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ भी नजर आ रही है। तो दोस्तों इसके आने वाले टारगेट्स की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है केपीआर मिल लिमिटेड, 946 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 14.5% के आसपास की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 32,401 करोड़ का और स्टॉक पी 40 का है जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। बाकी आरओसी की बात करें तो 20.6% एंड आरओई 19.5 का है जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 623 का लो रहा और 970 का इसने हाई लगाया है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं, केपीआर मिल वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। ये कंपनी यार्न, नीटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स एंड विंड पावर आदि का प्रोडक्शन करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आपको चार्ट पर देखने को मिलेगा कि इसमें कुछ खास ऐसी तेजी नजर नहीं आई लेकिन एक कंसिस्टेंट तेजी जरूर बनी थी। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ खास देखने को है नहीं, लेकिन हाँ इसके कॉन्स की बात करें तो ये इसका जो स्टॉक है 7.4 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है और इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी थोड़ा ज्यादा है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन करते हैं तो रेडीमेड गारमेंट्स या अपैरल में ये काम करता है और टेक्सटाइल सेक्टर की ये कंपनी है जिसमें आपका पेज इंडस्ट्रीज हो गया, केपीआर मिल है ही, साथ में आपका गोकल दास एक्सपोर्ट्स हो गया, पर्ल ग्लोबल, केवल, डॉलर इंडस्ट्री, रूपा जैसी कंपनियां हैं जो कि इसी सेक्टर की कंपनियां हैं। तो अगर हम केपीआर मिल के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 903 करोड़ का था, जून 2022 में 1585 करोड़, जून 2023 में 1611 करोड़ और जून 2024 में 1610 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 168 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 227 करोड़, जून 2023 में 203 करोड़ और जून 2024 में भी 203 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। कंपनी के अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1665 करोड़ का था, मार्च 2017 में 2817 करोड़, मार्च 2021 में 3527 करोड़ और अभी करंट में बात करते हैं तो कुल 6059 करोड़ का इसमें सेल्स ग्रोथ है। जिसकी तुलना में नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 103 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 287 करोड़, मार्च 2021 में 515 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 806 करोड़ का इसके पास नेट प्रॉफिट भी है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 44% की रेट से, पिछले 5 सालों में 54% की रेट से, पिछले 3 सालों में 34% की रेट से और पिछले 1 साल में 48% का रिटर्न दिया है जो कि काफी शानदार रिटर्न है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 1023 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में घटकर 779 करोड़ हुआ, मार्च 2021 में और ज्यादा घटकर 657 करोड़ हुआ, लेकिन मार्च 2024 में बात करें तो 1158 करोड़ का भी इसके पास लोन है। जिसकी तुलना में टोटल असेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 2090 करोड़ का असेट था, मार्च 2017 में 2391 करोड़, मार्च 2021 में 3251 करोड़ और मार्च 2024 में 5864 करोड़ का टोटल असेट भी है, लेकिन इसकी तुलना में जो ये लोन है लोन अभी भी थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ एक कंसर्न का विषय है। अगर हम केपीआर मिल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ सितंबर 2021 में 74.72% थी, वहां से थोड़ा सा पोजीशन घटकर 73.75% हो गया है। एफआईआईएच की होल्डिंग 3.09% से बढ़कर 5% का हो गया है, डीआईआईएच की होल्डिंग 13.42% से बढ़कर 14.90% एंड पब्लिक की होल्डिंग 8.77% से घटकर 6.32% का हो गया है। तो यानी कि अच्छी बात है कि एफआईआई एंड डीआईआई जिसमें पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो आपको इसमें 10 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 4 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसी खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी को कोई दिक्कत हो। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अभी स्टेबल है पिछले 90 डेज में, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी ठीक ठाक ही है, आरओई इनका पिछले 10 सालों में अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है, शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों से अर्निंग्स अच्छा कर रही है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनका मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी आ रही है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार स्ट्रांग नजर आ रही है। तो देखा जाए तो ऐसा इसमें कोई खास दिक्कत की बात मुझे नजर नहीं आती। तो अगर हम केपीआर मिल के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है अगर हम उसका ब्रेकअप करते हैं तो गारमेंट्स अराउंड 38.5%, यार्न का बिजनेस 27% का है, इथेनॉल का 10.6%, शुगर 7.8%, फैब्रिक 4.3%,
3.3% एंड 3.9% अदर्स, यानी कि सबसे ज्यादा इनका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो गारमेंट्स का है। सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो टेक्सटाइल्स अराउंड 82.2%, सुगर सेक्टर 16.5% एंड 1.4% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 59% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो दोस्तों अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करते हैं तो टेक्सटाइल वाले बिजनेस से 75% का प्रॉफिट आता है, सुगर वाले बिजनेस से अराउंड 24% का, और वहीं पर अगर हम इसके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया में ही लगभग 100% का बिजनेस होता है। दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं, चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में ही कर ली, अब हम देखते हैं इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। जिस हिसाब से इसका चार्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ से निकलने के बाद जो कि यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है, ये इसका लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तो यहाँ से निकलने के बाद इसका जो पहला लेवल दिख रहा है वो 1050 का है, वहां से भी अगर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर से निकलता है तो जल्द ही ये 1200 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों इसमें वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। लेकिन आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।